तो लाडली बहना के बारे में एक बड़ी जानकारी, कई सारे महिलाओं के आवेदन हैं जो रिजेक्ट कर दिए गए हैं, यानी कुछ कुछ पात्र हैं, जैसे आप देख सकते हो ये पात्र हैं, आवेदन थे 1,31,00,000 आवेदन प्राप्त हुए थे, उसमें से 1,29,00,000 पात्र बच्चे 2 लाख हैं। महिलाओं को अभी पेमेंट नहीं मिलेगा। अब आपको अपना नाम चेक करना है, मान लो, तो चेक कैसे करोगे, देखो बताता हूँ। सबसे पहले आपको cmlaadlibehna.mp.gov.in पर आपको जाना है, आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको जाना है। इसके बाद यहाँ पर अंतिम सूची, जो नई सूची है, वो नई सूची जारी कर दी गई है, तो आप अंतिम सूची पर क्लिक करोगे तो जो लोग पात्र हैं उनके नाम आ जाएंगे। यहां पर आपको आपका खुद का मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है, जो आपका नंबर है, जैसे आपका जो भी नंबर है ये नंबर डालोगे, नीचे जो नंबर ये लिखा हुआ है इसे कैप्चा वैल्यू कहते हैं, ये आपको डालना है। ये आपका नंबर अलग अलग आएगा, है ना, आपके यहां पर अलग आएगा, यहां पर अलग आ रहा है, सबका नंबर अलग अलग आएगा, और आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। जैसे आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, आपको ओटीपी डालना है, ठीक है। एक नई लिस्ट जारी की गई है सरकार की तरफ से, नई लिस्ट जारी की गई है सरकार की तरफ से, जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी आपको इसके अंदर डालना है, ठीक है। ओके करोगे तो एक ओटीपी आएगा और वो ओटीपी आपको इसके अंदर डालना है, ठीक है। जैसे मेरे पास जो ओटीपी आया है वो अलग है, आपके पास अलग आएगा, और ये ओटीपी किसी को बताना नहीं है, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे लिस्ट, अंतिम सूची, अपात्र, इस प्रकार से आपके लिए ये यहां पर लिस्ट आ रही है। पात्र अलग महिलाएं हैं और अपात्र अलग हैं, तो कई लोग अपात्र हो चुके हैं, कई महिलाएं अपात्र हो गई हैं, उनको पैसा नहीं मिलेगा, जिनको मिलेगा वो पात्र में अपना नाम देखें, क्योंकि आप अपना नाम देखोगे तभी पता चलेगा कि आपको पैसा मिलेगा कि नहीं। अब इसमें जो आपको चयन करना है, आपके गांव का नाम, शहर का नाम, तो पहली बात तो यह कि आपको द्वितीय चरण सिलेक्ट करना है, प्रथम चरण मत करना, द्वितीय चरण सिलेक्ट करोगे, द्वितीय चरण, ये देखो यहां पर लिखा है द्वितीय चरण सिलेक्ट करना है। फिर आपका जिला, जैसे आपका जिला कोई भी हो सकता है, आपका इंदौर है, अलीराजपुर है, एग्जाम्पल लेते हैं अपन छतरपुर है, मान लो छतरपुर है। इसके बाद स्थानीय निकाय, नगर परिषद है, अब जैसे खजुराहो है, चंदला है, धुबरा है, आप नौगांव है, हरपालपुर है, नौगांव हम सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको अपना नगरीय निकाय, स्थानीय निकाय सिलेक्ट करना है, फिर ग्राम पंचायत सिलेक्ट करनी है, ठीक है। नौगांव में एक ही है, जैसे मान लो आपने सटाई सिलेक्ट किया, सटाई सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर ग्राम पंचायत सटाई आ गया, तो ऐसे नाम आपको ग्राम पंचायत के बाद यहाँ पर वार्ड सिलेक्ट करना है, वार्ड 1, 2, 3, 4, 10 वार्ड से 15 वार्ड जितने भी होंगे, आप जिस वार्ड में आते हैं, मान लो 6 वार्ड में आते हो, तो 6 वार्ड में जो आपको दिखाई दे रहे हैं नंबर, वार्ड नंबर 1 में दिखाई दे रहे हैं, ऐसे ही अगर आप बात करेंगे आपका नाम चेंज करते छतरपुर में नौगांव, छतरपुर में हम सिलेक्ट करते हैं, ये रहा छतरपुर, और यहाँ पर बात करते हैं वार्ड क्रमांक 1 की, तो ऐसे आपके यहाँ पर नाम अंतिम सूची पर क्लिक करोगे तो हम नाम आ जाएंगे, ठीक है। जैसे ही अंतिम सूची पे क्लिक करना पड़ेगा आपको, ये अंतिम सूची पे क्लिक करोगे आपके नाम आ जाएंगे। अब कौन पात्र हैं, कौन अपात्र हैं, ये सारे नाम यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबका नाम पात्र 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 में आना चाहिए, अपात्र नहीं होना चाहिए। तो ये आप वीडियो शेयर करके लोगों को सपोर्ट करें, जितनी भी लाडली बहना है, कई लोगों को नहीं पता चल रहा है कि कैसे नाम देखना है, तो मैंने और हमारे वीडियो को शेयर करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आगे भी पात्र पात्र के लफड़े आएंगे, परेशानी होगी, सारी परेशानी का समाधान हम करेंगे। तो कृपया करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद साथियों, नमस्कार, मैं दिनेश ठाकुर अगेन आपका स्वागत करता हूं इंदौर के विश्वसनीय संस्थान दीप्ति सिंह एकेडमी में। लाडली बहना नाराज हो गई हैं, मोहन यादव गुस्से में नजर आए, साथ में एक बड़ी घोषणा भी कर डाली कि शादी का खर्चा उठाएगी सरकार। और आज की तमाम महत्वपूर्ण खबरों में, जिसमें किसान, लाडली बहना, बेरोजगार छात्र और आपकी जिंदगी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को लेकर हम सामने आए हैं, तो पहले वीडियो को शुरुआत करने से पहले देखते हैं ये छोटा सा शॉर्ट वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे कि आज की खबरों में क्या महत्वपूर्ण है और आखिर लाडली बहनाओं को 1500 रुपए मिलने की घड़ी आ गई है। वीडियो को पूरा देखिएगा और शादी का खर्चा सरकार कैसे उठाएगी, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ध्यान रखना, अपने अपने स्थान पर सब लाडली बहनों को बुलाना और रक्षाबंधन का कार्यक्रम करना, और कल एक साथ पूरे प्रदेश में सबके पास 1250 तो लाडली बहना के और 250 रुपए रक्षाबंधन के पैसे दोनों आपके सबके खाते में आने वाले हैं।
तो यहां पर खाते में पैसे तो आ जाएंगे, लेकिन जिनके खाते में पैसे नहीं आए हैं कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आपके लिए पूरी विधि या आपकी अगर आपको जो नहीं आए, मान लो दो दिन तक आपके खाते में पैसे नहीं आए, तो कमेंट में लिख देना आपके हम खाते में पैसे डलवाएंगे, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। यहीं पर मुख्यमंत्री की नोकझोंक को कई लोगों ने गलत तरीके से प्रेडिक्ट किया कि एक समय था जब महिलाएं मामा को हार पहनाती थी, लेकिन आज महिलाएं मामा के मुख्यमंत्री जी से बहस कर रही हैं। पहले लाडली बहनाओं ने कभी ऐसा रौद्र रूप नहीं दिखाया, फिर आज ऐसा क्या हो गया कि आखिर मामा से बहस करने की आवश्यकता पड़ी। देखते हैं छोटा सा वीडियो, इस वीडियो को मैं, मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि किसी ने इसमें एडिटिंग करने की कोशिश की है। देखते हैं ये वीडियो, आपको क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स बताइएगा। ये महिलाएं वास्तव में मुख्यमंत्री लड़ रही हैं या मुख्यमंत्री किसी और को डांट रहे हैं, वीडियो को देखिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो लड़ाई हो रही है, इस लड़ाई के पीछे की वजह सामने नहीं आई अभी तक, लेकिन हाँ ये जरूर कहा जा रहा है कि बहनों के मन में कुछ शंका थी जिसका समाधान उनके जो आसपास के जो लोग होते हैं, अधिकारी वगैरह होते, वो नहीं कर पा रहे थे, जिसको लेकर कुछ महिलाएं आग बबूला हो गई, गुस्सा हो गई, क्रोधित हो गई, और यहाँ पर मोहन यादव जी को कुछ बातें कह डाली। इस पर इसके जवाब में मोहन यादव ने भी कुछ कहा, गुस्से में क्रोध होकर ये चिल्ला चोट कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्चुअली स्पष्ट तरीके से नहीं है, लेकिन हाँ ये कुछ लोगों का जरूर कहना है कि मामा मोहन यादव आज गुस्से हुए और उन्होंने महिलाओं को कुछ कहा है। अब ये महिलाओं को कुछ कहा है या किसी को कहा है ये अपन बाद में देखेंगे, लेकिन एक घोटाले की बात सामने आई है। देखिए मेरे चैनल पर आपको सभी प्रकार की जानकारी मिलेगी। अच्छा, लाडली बहना को 3000 रुपये मिलने की प्रोसेस चालू होने वाली है, इसके लिए भी वीडियो आपको 3-4 दिन में आ जाएगा। तो ये वीडियो 3000 रुपये क्यों नहीं मिल रहा है, इसकी वजह क्या है, ये हम आपको परसों नरसों यानी कि सोमवार मंगलवार को उसका वीडियो बनाएंगे, ठीक है। इसके पहले आपको बता दें कि घोटाले को लेकर जीतू पटवारी ने फिर मोहन सरकार को घेर लिया, क्योंकि नर्सिंग घोटाला, नर्सिंग में कौन बनता है, नर्स जो कि डॉक्टर के नीचे काम करती है, अगर नर्सिंग घोटाले से बन जाए तो आपकी जिंदगी का क्या होगा। मैं सबकी आवाज उठाता हूं, चाहे वो बेरोजगार हो, चाहे किसान हो, चाहे वो लाडली बहना हो, इसीलिए हमारे चैनल पर सभी का भरोसा है और ये भरोसा मैं बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा आपका कभी भी। कई बच्चे बोल रहे हैं कि दिव्यांगजनों पर और दैनिक वेतन भोगी पर एक वीडियो बनाइए और सरकार तक बात पहुंचाइए। दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़नी चाहिए और दैनिक वेतन भोगी का भत्ता बढ़ना चाहिए, इसको लेकर बहुत जल्द हम आपकी आवाज उठाएंगे। निश्चिंत रहिएगा, मैं हमेशा बेरोजगार बच्चों के साथ खड़ा था, खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। लेकिन यहां पर जीतू पटवारी ने क्या कह डाला, देखते हैं उनका ये छोटा सा वीडियो। एक कॉलेज उसकी एंट्री होती है, जहाँ बिल्डिंग नहीं है वहाँ भी कॉलेज, जहाँ पर बीएड और नर्सिंग व्यापम हमारी अलग अलग भर्तियां, अलग अलग पेपर ली, ये मध्य प्रदेश इसका इसकी राजधानी बन गई। आखिर शिक्षा जगत को कहाँ लेके जाएंगे। मैंने आज मोहन यादव जी से आग्रह किया है कि आप मुख्यमंत्री के पहले शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री, मैं भी आपके पहले उच्च शिक्षा मंत्री। तो चलिए आगे रुक करते हैं कि लाडली बहना के बाद अगर कोई बच्चा रोजगार पाना चाहता है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्पेशलिस्ट ऑफिसर का पद निकला है। 19 जुलाई से आवेदन शुरू हो जाएंगे, लास्ट डेट 8 अगस्त है। नवंबर में आपके लगभग नंबर ऑफ पोस्ट यानी कि पोस्ट है 1040 और फीस है आपकी 750 रुपये। SBI की वेबसाइट पर जाकर अगर आप में से कोई क्लर्क की नौकरी करना चाहता है, ऑफिसर की नौकरी करना चाहता है, या फिर कुछ भी पुलिस पटवारी MPPSC करना चाहता है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम तैयारी आपके लिए करवा सकें, ठीक है। यहाँ पर जवाहर विद्यालय की जो फीस है वो 599 रुपये है एक साल की, 1 ईयर, ठीक है। इसके अलावा आपके लिए महिला पर्यवेक्षक की किताबें हों, चाहे वर्ग 3 की किताबें हों, आपको सारी किताबें आपको हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से आप ऑर्डर कर सकते हैं। आपके मोबाइल में दीप्ति सिंह एकेडमी का एप्लीकेशन होना जरूरी है ताकि आप लोग सारी क्लासेस ले सकें, किताबें ले सकें या जो भी आपको परचेस करना है पढ़ाई संबंधी सामग्री, इन सब के लिए। तो धन्यवाद आप सभी का।
जय हिंद वीडियो को शेयर कीजिएगा और जुड़े रहिए मध्य प्रदेश की सबसे विश्वसनीय टीम डीएसए दीप सिंह एकेडमी के साथ। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।